नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती, आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास गतिविधियों पर। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की घटती संख्या और मरीजों की बढ़ती संख्या एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। अस्पताल में दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं स्टाफ की कुल संख्या 50% भी नहीं है। ऐसे में मरीजों को कई घंटों तक इलाज के लिए डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ता है। उसी पर सोने पर सुहागा यह होता है कि डॉक्टर आए दिन छुट्टी पर चले जाते हैं, जिसके कारण कुछ मरीज तो यहां कई दिनों से इलाज के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। हमारे संवाददाता ने आज जिला चिकित्सालय पहुंचकर ऐसे ही कुछ मरीजों से बातचीत की और जिला चिकित्सालय की सेवाओं का हाल जाना। सीताराम कॉलोनी कैंट रोड को ना बनाए। आप डॉक्टर साहब नहीं मिले? नहीं, डॉक्टर साहब नहीं आए ना, 3 दिन से बराबर आ रहा हूँ। शनिवार को आया, इतवार को नहीं आया, सोमवार को आया, मंगल बुध हो गया। अच्छा, करीबन 3 दिन से? 3 दिन से बराबर आ रहा हूँ। तो आज आपको पता चला कि हड़ताल के कारण नहीं है आज डॉक्टर के? नहीं, मुझे जो बताया है गौरव तिवारी छुट्टी पे है, वो राउंड पे है वार्ड में। कौन डॉक्टर? गौरव तिवारी छुट्टी पे है, मुझे आरएस राजपूत राउंड पे है वार्ड में। नहीं मिल रहे? कितने दिन से रोज आ रही, रोज जा रही, 3-4-5-6-10-15 दिन से निकल गई। तो आप तो बीपी बढ़ रहा है, आपने दवाई नहीं ली? फिर नहीं दे रहे, बजा भी नहीं थी, एक गोली खाई थी, सूजन आ गई, अब कहीं की गोली लगे। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी जैन ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी तो है, लेकिन अस्पताल की सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पर इनका यह दावा किस हद तक सही है, इसका अंदाजा अस्पताल की हालत देखकर खुद लगाया जा सकता है। नहीं, वहाँ गौरव तिवारी डॉक्टर साहब हैं, उनके पास भी 4-5 महिलाएं बैठी हुई बोल रही हैं, 3 दिन से हम आ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी नहीं मिले। नहीं, हमारे पास डॉक्टरों की कमी तो है। हाँ। डॉक्टरों की कमी है अस्पताल के अंदर, क्योंकि हमारे डॉक्टर धाकड़ रिटायर हो गए हैं। अच्छा। डॉक्टर पीके पाटिल रिटायर हो गए हैं, एक डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया तो वो चले गए, उसके कारण से डॉक्टरों की कमी है। सर, ये डॉक्टरों की समस्या कब तक खत्म हो जाएगी? देखो, डॉक्टर्स की समस्या मैं क्या कह सकता हूँ, शासन जब भेजता है तो उस हिसाब से डॉक्टर रहते हैं। चूँकि अपना अस्पताल अब काफ़ी बड़ा हो गया, 400 बिस्तर का अस्पताल है, और इसके अंदर मरीज काफ़ी अपेक्षाएँ लेकर के आते हैं, और डॉक्टरों की कमी पूरे मध्य प्रदेश में ही है मैं समझता हूँ। हमारे अस्पताल में तो करीब 70 डॉक्टर की पोस्ट है। तो सर, ऐसी कोई हड़ताल नहीं है? नहीं, हड़ताल ठीक है। वहीं दूसरी ओर मरीजों के साथ डॉक्टरों का व्यवहार भी किस प्रकार का है, अब ये वीडियो देखकर आप इसका भी अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। ये बताएं क्या समस्या आ रही है आपको? मैं कल लेके आया था मैसेज को, कल मेरे दूसरे के टाइम पर भर्ती कराई, भर्ती कराने के बाद शाम को ट्रीटमेंट जैसा कुछ नहीं हुआ, और इसके बाद मैं श्याम को ने रिपोर्ट दी, ताकि वो मतलब जो जांच करवा, जांच के लिए रसीद दी, रसीद लेकर के मैं पहुंचा अभी सुबह जांच करवाई मैंने, जांच करवाने के बाद और अभी डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने कहा और मैसेज मिले कि भाई ये काम वो दिखवाने के लिए, और वो बैठे थे कुर्सी पर, कुर्सी पर बैठने के बाद डॉक्टर पलंग पे या नीचे पड़े हुए उनको नहीं देख रहे, और इसके बाद में कायम कुर्सी पर बैठ करके बुला के एक एक मरीज करके, और मरीज़ की अगर व्यवस्था कमज़ोर हो, जैसे कि चलने की व्यवस्था नहीं है मरीज़ की,
और मरीज जबरदस्ती जा रहा है, घंटन लेन लगा के इलाज जो लिख रहे हैं। कौन से डॉक्टर साहब हैं? अब ये जानकारी मुझे नहीं, ड्यूटी पर जिन मेरे पास छुट्टी का पर्चा दे दिया है, मुझे टोकन दिया था। सर्जिकल की बात कर रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब कौन देख रहे हैं? राजपूत जी। अब ये पता नहीं कौन लड़का से। तो आपकी मिसेज को क्या परेशानी है? परेशानी क्या, वो तो बीमार है। बीमार क्या है, वो ना तो चलना है ना फिरना, कुछ नहीं करना। दिक्कत क्या है? बुखार जाना है, शरीर के अंदर और भी बीमारी हो सकती है। जाँच के लिए उन्होंने दिया था, तो हमने सुबह जाँच करवाई। जाँच करवाने के बाद उन्होंने पहले ही ये दे दिया कि आप एक काम करो, घर जाओ। तो जो उन्होंने जांच करवाई थी वो आपने उनको जांच दिखाई? नहीं, अभी क्या है कि जांच आई नहीं, सुबह जांच करवाई। अब जांच शाम को 5 बजे तो उन्होंने एडमिट करे, आपको वापस भेजना है। पर्चा दे दिया ना उन्होंने, आप जाइए घर। आपने उनसे बोला नहीं कि अभी तो कहा था श्रीमान जी ऐसा है, मुझे पर्चा दे दिया, आप लोग दवाई गोली जो थोड़ी बहुत दे दी आपने, तो ये आप जाँच तो रहेंगे, कहने लगे आप जाइए जाँच होती रहे। चुनाव आयोग के आदेश पर आज गुना आरटीओ ने की अवैध नंबर प्लेट एवं होटल लगे वाहनों पर चालानी कार्यवाही, जिसके बारे में जानकारी देते हुए आरटीओ ने बताया कि वे दोपहर तक लगभग 30 से 40 वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर चुके थे, जबकि शाम तक यह आंकड़ा और भी बड़ी संख्या में पहुंचने की संभावना थी। सर बताएं क्या होगा? चुनाव आयोग के आदेश पर अवैध नंबर प्लेट और होटल्स और सर्च लाइट के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, निरंतर रूप से चल रही है। आज कुछ बड़ी कार्रवाई की है, कम से कम 30-40 चालान बने हैं। शाम तक ही फाइनल बता पाएंगे संख्या ही कितना बने। स्थानीय कर्नलगंज में एक किराने की दुकान में विगत रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के ताले चटकाए, साथ ही लगभग 50,000 रुपए का सामान एवं 2,500 की नकदी दुकान से ले उड़े। यहां पीड़ित दुकानदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसने विगत रात ताले बराबर बंद किए थे, लेकिन जब सुबह वह दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि ताले टूटे पड़े हैं। इसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई। पर लगातार शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाएं कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो छोड़ ही जाती है। मैं सुबह आके देखा दुकान के ताले वगैरह टूटे हुए थे, अंदर जाके देखा तो पूरा सामान टूटा हुआ था। दुकान नहीं खोलने आता हूँ, दुकान सुबह भी खोलता हूँ और शाम को भी बंद करता हूँ। तो मिनिमम कितने की चोरी हुई है? मिनिमम करीबन अपने 40-50। उसमें आपका नगद कितना गया? नगद 2,500 रुपये की चिल्लर। विगत दिवस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में चित्रकला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन मन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एवं नेटवर्किंग समिति गुना के तत्वावधान में रखा गया। इस दौरान मन संस्था के कई बच्चों ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी एवं उपस्थित जनों का मन मोह लिया। वहीं इन्हीं बच्चों द्वारा कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की प्रदर्शनी भी यहां पर लगाई गई थी। साथ ही उक्त कार्यक्रम के संबंध में मन संस्था के सदस्य ने डीजीआना न्यूज को पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराई। आवाज़ निकले
माला करा दो परसों माला करा दो नहीं नहीं माला कर माला कर नहीं गुड गुड मेरे साथी और पत्रकार समूह, आज से कई साल पहले सन 2009 में इस संस्था की स्थापना की गई थी और संस्था का उद्देश्य था कि हम मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर काम की बहुत गुंजाइश है, एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है, लोगों को जानकारी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। उसी उद्देश्य की पूर्ति के साथ एक मन स्पेशल स्कूल की शुरुआत की गई और उस स्कूल के माध्यम से हमने गुना जिले में निवासित बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान की। दिवस है इस अवसर पर मन संस्था द्वारा मन स्पेशल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है। इसमें बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन, डांस, गाने, कल्चरल एक्टिविटीज़ की गई हैं, जिसमें बच्चों ने जो मानसिक से दिव्यांग बच्चे हैं भाग लिया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। बच्चों द्वारा बनाए गए क्राफ्ट सामान का भी यहाँ पर सेल लगाई गई थी, जिन बच्चों ने छोटे मोटे क्राफ्ट सामान बनाए थे, जिनको जो पेरेंट्स और बाकी लोग जो आए हुए थे गेस्ट, उन्होंने उसको लिया और उस पैसे को हम लोग बच्चों को गिफ्ट करेंगे। डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।